आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम नहीं आई तो मैं घबरा गया कि क्या बात है। मैं जानती हूँ, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते, आप नहीं जानते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो बिलाल आए थे। अच्छा, वैसे ही सो स्वीट। ये वही बंदा है ना जो तुम्हें आते जाते देखता है, बड़े प्यार से घूरता रहता है। कह रही थी कि खैर खबर रखा गो नायला के घर की, आजकल उसके घर में बहुत मर्दों का आना जाना है। ओ, अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आई थी ये देखने के लिए कि मेरे घर में कोई मर्द छुपा हुआ है कि नहीं। तो जाओ जाके खंगालो, अगर तुम्हें कोई मर्द नजर आता है तो लाके सामने खड़ा कर दो मेरे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज पहली तनख्वाह मिली है। लेकिन बेटे ये सब क्या है? अरे ये आप लोगों के लिए और घर की बाकी लड़कियों के लिए गिफ्ट्स हैं। क्या सारी तनख्वाह खर्च करके आ गई? तो क्या हुआ, मेरा अपना घर है, अपने घर पे तो खर्चा कर सकती हूँ ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये दारुल अमान है, यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, और तुम खुद मुख्तार हो, अपने पाँव पे खड़ी हो। अपना बोझ खुद उठा सकती हो। जी, हम बहुत मजबूर हैं बेटे। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना, हम खुद तनख्वाहदार हैं, हमें जो हुक्म मिलता है हमें वही करना पड़ता है। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, हमें इस बुढ़ापे में कौन मुलाजमत देगा। हुक्म? मुझे खुशियां रास ही नहीं आती, पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा। अंकल आंटी को अपने माँ बाप की जगह समझा, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन फिर भी उनका ये रवैया। आखिर कौन है वो जालिम जिसके हुक्म पर मुझे इस पनाघा से बेदखल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे माँ बाप जैसे प्यारे अंकल और आंटी को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ रहा है। पर मैं जाऊंगी कहाँ, कहाँ जाऊंगी? लाइट आ गई, मैं जलाती हूँ। बैठे रहो, रोशनी को देखने की हिम्मत नहीं है। ठीक कहते हो तुम, क्योंकि रोशनी में हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। वैसे ये ठीक नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है। हाँ वाकई ये बहुत बुरा हुआ है, हम कितने खुद खर्च है ना। मजबूरी, बहुत मजबूरी,
काश मैं इस गलत फैसले के सामने डट सकता और कह देता, मैं एक मजलूम और कमजोर लड़की को दारुलमान से नहीं निकाल सकता। ये मेरा फैसला है, ये मेरा फैसला है। ये तो समझ में नहीं आता कि इतना मुखलिस और दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान एक मजबूर और बेबस लड़की से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि उसने उसे दारुल अमान से निकालने का हुक्म दे दिया। इसलिए कि हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा होता है, जैसे हमारा चेहरा। इसलिए हम रोशनी से डरते हैं कि लोग हमारा चेहरा ना देख लें। मकरू चेहरा, मकरू चेहरा। वो तुमने फिर बात की दानिया से? की थी मैंने उससे बात। तो फिर क्या जवाब दिया साहबजादी ने? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्या जवाब देगी। वो इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये से क्या हुआ? इन्हें शायद मेरा ना यहाँ अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? बैठो। थैंक यू सर। तानिया मेरी वजह से घर छोड़कर गई है। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, उसने अपनी वजह से घर छोड़ा है। दिमाग खराब हो गया है उसका, मत मारी गई है उसकी। भरी थाली को लात मार के फेंक दिया। ये तो आप कहते हैं ना सर, पर हकीकत तो ये है कि हमारे धंधे को पसंद नहीं करती। अरे तो उसका बाप कौन सी मिले छोड़ के मरा था? इन दोनों को मैं सहारा नहीं देता तो आज दर बदर भटक रही होती दोनों। फिर भी सर, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी घरेलू जिंदगी मुतासर हुई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इस कदर नफरत करती है कि मेरी वजह से अपनी पुरसकून जिंदगी छोड़कर चली जाएगी। अच्छा चल छोड़, जो होना तब हो चुका है। तू ये बता कि माल का क्या बना? थोड़ी सख्ती है सर, रफ्तार सुस्त है। ये अजीब मसला बन गया। तूने सर्वर से बात की? की थी सर, पर वो क्या कर सकते हैं, कुछ टेंशन में लग रहे थे। मैं उसे क्या टेंशन है, प्याज 100 रुपए का किलो बिके या 200 का, चीनी चांदी के भाव बिक जाए, अरे 3-3 मिले हैं उसकी अपनी। पर लग वो टेंशन में ही रहे थे, थोड़ी पिए हुए थे। ये वो लोग जिन्होंने ये इमारत का सेट लगाया होता ना, उनकी टेंशन्स भी अजीब और गरीब तरह की होती है। अमीर तो आप भी बहुत हैं सर, बड़ा माल दबाया है परों के नीचे आपने। चल चल, बहुत माल दबाया परों के नीचे। चल किराए के लिए घर खाली, 2 कमरे 1 ड्राइंग रूम, 2 अटैच बाथ, 1 लाउंज, कार पोर्च गार्डन, 2 कमरे 1 अटैच बाथ, लाउंज। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी ब्रोकर से ही बात करनी पड़ेगी। हेलो, कैसी हैं आप जनाब उम्मीद साहिबा? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, मुझे तो थकी थकी सी लग रही हूँ। हाँ बस वो आजकल जरा मैं अली से किराए के घर के बारे में बात करना ठीक नहीं है, उसके मुझ पे पहले ही बहुत एहसान है। हेलो, क्या सोचने बैठ गई? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे।
तुम उससे कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी नई गाड़ी का क्या हाल है? भाई मेरी गाड़ी तो मुझसे अच्छी निकली, कम से कम कोई है तो सही जो मेरी गाड़ी का हाल पूछ लेता। अली आप भी ना। इतला नर्ज है कि मेरी गाड़ी साहिबा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, ना नजला है ना जुकाम है, ना गले में कोई खराश है। ओ सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गया, आप बिजी तो नहीं थी कहीं? हाँ बस थोड़ा सा काम कर रहे थे। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके खुदा हाफिज़। ओके। तानिया, तानिया मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? तानिया, क्यों आई आप यहाँ? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजारूं? तानिया तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इन्हें मैंने बुलाया। क्यों? तानिया कुछ भी हो, ये तुम्हारी माँ है, इन्हें किस बात की सजा दे रही हो? नैना तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी खून के रिश्ते इस तरह से झुटलाए नहीं जा सकते। नैना मेरी बात कान खोल के सुन, मैं इस घर में रहूं या ना रहूं लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है तुम टीपू से शादी नहीं करना चाहती लेकिन। हाँ दानिया। नैना ठीक कह रही है, और वैसे भी तुम्हारा और टीपू का क्या जोड़? तुम जहां चाहोगी जिससे चाहोगी मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करूंगी। आंटी दानिया जॉब करना चाहती है। हाँ तो करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो, उस माहौल से दूर रहे, लेकिन लेकिन मेरी नजरों के सामने तो रहे ना। हाँ दानिया, आंटी की बात मान लो, उन्होंने तुम्हारी खातिर अपने शौहर से टक्कर लिए। देखो बेटा, जमाल मेरा सुहाग है लेकिन तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। मैं तुम्हारे बगैर सांस लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मम्मी, और यकीन मानिए मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, मगर मैं क्या करूँ, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मेरी सांस घुटती है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुँह से मत निकालो, ऐसे मत कहो। अभी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, हम मिलेंगे, एक दूसरे से इन टच रहेंगे, मगर मुझे वहां आने के लिए मत कहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगी, तुम्हारी जैसी मर्जी है, लेकिन अपने माँ से मिलने जरूर आना। तुम जहां रहो खुश रहो, मेरी तो बस यही दुआ है। उस्ताद साहब की सुतेली बेटी ने तुम्हारी सीटी बजा दी। टीपू बादशाह की सीटी कोई नहीं बजा सकता। पर उस दिन तो तुम साहब से माफी मांगने भी गए हो। हाँ तो मांग रहा था, माफी मांगने से मेरे कद पर क्या असर पड़ जाएगा? टीपू भाई अपनी समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या गेम है। तो नन्हे क्यों समझ रहा है मेरा गेम? और वैसे भी अपने इस छोटे से दिमाग पर क्यों इतना बोझ डालता है तू? है टीपू भाई लगते तो खरगोश हो पर अंदर से पूरे लूमड़ो। लूमड़ नहीं, भेड़िया। सर वो सामान रखवा दिया मैंने। ठीक है जाओ तुम। रुको, शक्ल से तो काफी अकलमंद लगते हो, पिस्तौल चला सकते हो? जी पिस्तौल। टीपू भाई खास दम नजर नहीं आते इसमें। दम तो है इसमें, कुछ लोग बहुत बड़ी फिल्म होते हैं, ऊपर से मक्खन की तरह होते हैं और अंदर से। खैर तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। भाई साहब
गाड़ी वाड़ी चला लेते हो? जी चला लेता हूँ। ठीक है जाओ तुम। टिबू भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई एजेंसी का बंदा है और हमारे अंदर घुस के हमारी खबरें आगे दे? तो कहता तो तू ठीक है, शक्ल से तो मुझे भी ये एजेंसी का बंदा लगता है। उसको भी देख लेंगे, तू अपनी फिक्र कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट 3 कमरों की, 4 कमरों की या 5 कमरों की है? नहीं नहीं बस एक कमरे का छोटा सा। छोटा घर? छोटा घर एक पोर्शन है हमारे पास 2 कमरों का, लेकिन वो एडवांस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कितना मांग रहे हैं? 80,000। 80,000? 80,000 तो बहुत ज़्यादा है। आपको तो मालूम है आजकल किरायों के रेट काफ़ी बढ़ गए और महंगाई तो हर जगह है। असल में मैं इस शहर में किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ और नौकरी भी नई नई लगी है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ना। कोई ऐसा छोटा सा घर दिखा दीजिए जो मैं अफोर्ड कर सकूं। एक है तो सही मकान, लेकिन वो रेंट पे चढ़ना गया हो। मैं देखता हूँ। जी मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट असलम बात कर रहा हूँ। क्या हुआ आपके मकान का? नहीं दिया? हाँ एक पार्टी है मेरे पास जो काफ़ी नीडी है, अगर आप कहें तो अभी लेके आता हूँ। ओके ठीक है मैं कुछ देर में लेके आता हूँ। खुदा ने आपकी सुन ली, आप शायद वाकई ज़रूरतमंद हैं। आइए अभी और इसी वक्त चल के देखते हैं। बच्चों कोई मसला तो नहीं आप लोगों को? नहीं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हाँ याद आया वो जो चादरें दी थी आप लोगों को कढ़ाई के लिए वो कहाँ तक पहुँची? बस जी एक आध दिन और देते हैं। देख लीजिए ज़रा जल्दी कर लीजिए, जिनका ऑर्डर है ना वो ज़रा जल्दी में है। बस एक आध दिन और बस। बेहद शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। उम्मीद नहीं आए अभी तक। आ जाना चाहिए उसे, वक्त तो हो गया। पता नहीं बच्ची कहाँ मारी मारी फिर रही होगी। अरे आजकल के ज़माने में मकान किराए पे लेना कितना मुश्किल है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी के बिल, वो अलग। मैं तो सोचती हूँ वो बच्ची किस किस को पैसे बांटती फिरेगी। किराए भी तो आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरा तो दिल हौल रहा है कि कहीं वो बच्ची घबरा के कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। अरे नहीं नहीं ऐसी बात मत करो, खुदा उसे महफूज रखे। वो हमें उनसे ना थोड़ी सी मोहलत और मांग लेनी चाहिए थी। उन्होंने बात ही ऐसी की, मैं क्या कहूँ। जो अल्लाह को मंजूर क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, मुझे घर मिल गया। क्या वाकई? जी देखा इसे घर मिल गया, बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा बेटा अब तुम थक गई होगी, तुम जाके कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ। जी जा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बच्ची को घर मिल गया। अरे आंटी आए बैठे बैठे, अरे बड़ा थक गए। अरे आंटी बताए वो जो घर है ना बहुत ही प्यारा है, छोटा है
मगर बहुत प्यारा सा है, मेरे लिए ठीक है। पता है फर्नीचर भी है उसमें। चले शुक्र है, जान छूटी, फर्नीचर तो कम से कम नहीं लेना पड़ेगा। अरे आंटी आप रो क्यों रही हैं? बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आंटी आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आप मत शर्मिंदा हो, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कोई खोट नहीं है। प्लीज ना रोए ऐसे, मैंने तो हमेशा आपके चेहरे में अपनी माँ को देखा है। मेरी तो तकदीर ही खराब है। पता नहीं क्या सोच के मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उम्मीद रखा था। सारी जिंदगी ना उम्मीद ही मिली है।